नमस्ते प्यारे दोस्तों, हमारे SPS क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब आप लोगों का 22 मार्च से एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं कुलदीप सर आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ थर्मल इंजीनियरिंग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, और पढ़ाऊँगा मैं मैनुफैक्चरिंग मटेरियल साइंस। ये जो सब्जेक्ट है ये आपके थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है, और ये तीनों सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट हैं, थर्मल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका मटेरियल साइंस हो, चाहे आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हो, ये तीनों सब्जेक्ट हम आपके लिए ला रहे हैं SPS क्लासेस में लाइव क्लासेस, जिसमें हम पढ़ाएंगे थर्मल इंजीनियरिंग के वो सारे कंसेप्ट जो कंसेप्ट होते हैं काफ़ी टिपिकल, और हम समझाएंगे एक सरल भाषा में कि थर्मल इंजीनियरिंग में हमको पढ़ना क्या होता है। हम शुरुआत करेंगे बेसिक थर्मोडायनामिक्स से, जहाँ पे हम ऊर्जा को सीखेंगे, ऊर्जा के विभिन्न रूपांतरण को सीखेंगे, ऊर्जा के स्थानांतरण को सीखेंगे, निकाय के बारे में सीखेंगे, और निकाय और परिवेश के मध्य में किस प्रकार का ऊर्जा का विनिमय होता है, उन सभी घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम सीखेंगे ऊर्जा स्थानांतरण अर्थात ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में, फिर हम सीखेंगे बॉयलर के बारे में, संघनित्र के बारे में, भाप टरबाइन के बारे में, और हम सीखेंगे जेट प्रपल्जन के बारे में, और सबसे अंतिम में हमारा है अंतर्दहन इंजन और एयर कंप्रेशर। तो ये थर्मल इंजीनियरिंग में हम इन सभी टॉपिक पे एक डिटेल्स में आपके लिए लाइव वीडियो लाइव क्लास लेके आ रहे हैं। तो हमारे SPS क्लासेस से आप सभी लोग जो थर्ड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो हमसे जुड़ें, और इसी के साथ थर्मल इंजीनियरिंग के साथ साथ हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अर्थात मैन्युफैक्चरिंग साइंस, या जिसको हम सामान्यतः वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसके सारे कंसेप्ट को हम टटोलेंगे, और हम सीखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं उस मटेरियल्स के विभिन्न प्रॉपर्टीज़ को हम सीखेंगे मटेरियल साइंस में। तो ये तीन सब्जेक्ट हम लेके आ रहे हैं आपके इस चैनल SPS क्लासेस में। तो सभी थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हमसे जुड़ें, जहां हम आपको सिखाएंगे थर्मल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस। धन्यवाद सभी को।